इलाहाबाद आने के लिए सवाल हुआ, और इस बार मुझे लगा कि मैं शायद इलाहाबाद नहीं जा रहा, अली जावेद नहीं है और अली जावेद का इलाहाबाद भी नहीं है। लेकिन एक सरकारी संस्कृति होती है, और उस सरकारी संस्कृति में जब प्रयागराज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलती है तो प्रयागराज को ही पहुंचती है। लेकिन हमारी और आपकी संस्कृति है जिसमें प्रयागराज एक्सप्रेस पर चढ़ के हम इलाहाबाद, और मैं अभी भी मानता हूं कि मैं इलाहाबाद हूं। जयपुर में एक संस्थान में एक नौकरी के लिए इंटरव्यू हो रहा था, और कुछ लोग उस इंटरव्यू में आए थे, उम्मीदवार थे। उनमें से एक साहब से हमने पूछा कहाँ के रहने वाले हैं, उन्होंने कहा प्रयागराज। मैंने कहा कि आपने कब से प्रयागराज में रहना शुरू किया, तो उनको समझ में नहीं आया। मैंने कहा कहाँ पैदा हुए थे, कहाँ के थे, आप आपसी बातचीत में क्या कहते हैं। अब शायद उनको लगा हो कि किसी को लेने वाला है तो उसकी मर्जी के मुताबिक बात करनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि सर हम लोग इलाहाबाद ही कहते हैं। तो मैंने कहा फिर हमसे क्यों आप लगातार प्रयागराज बोलेगा, हम सारे लोग जब सरकारी जुबान बोलने लगे, जो जुबान हमें राज्य ने दी है उस जुबान को हम बिना सवाल किए अपना लें। जैसे अचानक पूरे भारत के लोग गुड़गांव को गुरुग्राम लिखने लगे, और मुझे लगा कि इसकी मजबूरी हमें तो नहीं, हम गुड़गांव को गुरुग्राम क्यों लिखे। अचानक मैंने देखा कि सारी यूनिवर्सिटीज में हर जगह जहां बाथरूम थे वहां अचानक दिव्यांग नाम लिखा गया, और मुझे लगा कि 2014 के पहले भी हिंदी थी, 2014 के पहले भी ऐसे लोग थे जिनको चलने फिरने में कि दंगा नहीं रोजगार चाहिए, धीरे का अधिकार। दोनों नारों को आप देखें तो एक नारा जो है वो परंपरा या संस्कृति के भीतर से एक उदार स्वरूप को लेकर चला, और उसका एक अलग अपना ऑडियंस, और दूसरा तरीका यह भी हो सकता है कि वास्तविक जो जन सरोकार के मुद्दे हैं उनको सामने लाया जाए, ताकि यह जो संस्कृति की राजनीति, संस्कृति का मतलब खाली धर्म हो गया जिसको धारण करना है। Thank you.